हरोली फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में आम आदमी पार्टी ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि हरोली में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई है, लेकिन प्रशासनिक अमला फैक्ट्री होने की बात से पल्ला झाड़ रहा है, पर कोई ये नहीं बता रहा कि कैसे शासन प्रशासन की नाक के नीचे एक अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जो इतने बड़े हादसे का कारण बनी। उद्योग विभाग के पास फैक्ट्री के कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और एक्सप्लोसिव लाइसेंस और अग्निशमन विभाग का NOC भी नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्ट्री में पिछले एक साल से पटाखे बनाने का कार्य जारी था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री पर भी सवाल उठाए कि कैसे उनके विधानसभा में उनकी जानकारी के बिना ये सब हो रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंडस्ट्री मंत्री रहे अग्निहोत्री कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं, उनकी भी इस हादसे को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को 25 लाख और घायल हुए लोगों को 5 लाख की राहत देने की मांग की। पार्टी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले इसी फैक्ट्री में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसे दबा दिया गया था। उसमें किसी की जान नहीं गई थी, पर अगर तब क्षेत्रीय विधायक और सरकार जाग जाते तो शायद आज इस हादसे को टाला जा सकता था। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो ऊना जिले में हुई है, जिसमें मजदूर वर्ग, यहाँ के लोकल जिसमें भी काफी है, वहां के 7 के करीब जो सुनने में आ रहा है वहां पे मौत हो चुकी है और काफी ज्यादा वहां पे घायल हो चुके हैं। बड़े दुखद घटना है। इसके लिए तो प्रशासन, सरकार सभी जिम्मेवार हैं। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि वहां पर अवैध फैक्ट्री चल रही है, पटाखों का कारखाना चल रहा है? बिजली विभाग को नहीं पता था कि वहां पे सप्लाई किसके नाम पे दी जा रही है, पानी किसके नाम पे दिया जा रहा है? और आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं मैं, हरोली विधानसभा में ये एरिया आता है बाथूबतरी का जी, और वहां पे एक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो आज की तारीख में विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर भी हैं। इन सभी इतने इतने बड़े पदों पे रहते लोगों के नाक के नीचे इतना अवैध फैक्ट्री चली और लोगों की जाने जा रही है। पहले जैसे मंडी में शराब कांड हुआ, इसी तरह का कांड यहां हुआ, अब पूरी सरकार लीपापोती में लगी हुई है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना मिली भगत के, सरकार के आशीर्वाद के बिना ऐसी कोई भी अवैध काम नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी पूरी विश्वसनीयता से ये कहती है कि इसमें सरकार की, प्रशासन की मिली भगत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसी के साथ जिन लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है उनको सरकार तुरंत 25 लाख का मुआवजा दे, और जो घायल हैं उनको तुरंत 5 लाख का मुआवजा दे, और जो घायल लोग हैं उनका इलाज चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी और राज्य में, उच्च स्तरीय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके चाहे जितना मर्जी खर्चा हो सरकार उसको वहन करे, उनका इलाज कराए और उनको ठीक जो है उनके भविष्य को देखते हुए उनके साथ जो भी उचित करे और उनको जो भी सहूलियत देनी चाहिए वो उनको देनी चाहिए।